नल जल योजना के अंतर्गत पीएचई विभाग के माध्यम से हर गांव में पीने की स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का काम करता है, लेकिन हमारे गांव में आज तक का पीएचई विभाग का नाकामयाब दिखने के कारण लोग गंदे पानी पीने को मजबूर है। पानी पी रहे, खराब पानी, गंदा पानी है। कोई सरकार हमारी इधर कोई दे ही नहीं रहा, ना कुआ दे रहे, ना तालाब दे रहे, ना ही तो हेडपम्प दे रहे। यदि ऐसा रहता तो हम पीता कुआ तो कुआ का पानी, हेडपम्प का पानी, नदी के पानी से क्या करे। अब नदी के पानी पी रहे, अब सर्दी हो या खांसी हो या बीमारी हो जो भी है, लेकिन अब पी रहे हम। चायत में तो भैया लोग तो गए थे, गाँव के सब भैया लोग गए थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहे हमारे ऊपर। पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो बहुत कचरा कूड़ा खाता है, गंदे अंदे नाला का तो भरता है, नाले का पानी, नाले का पानी। सर्दी खांसी है, बार बार बोल दिया, सुनता नहीं तो क्या करेंगे। उन तो वोट देता, वोट के समय आ जाता, कुछ काम नहीं देता है, तो हम नाला का पानी पी रहे हैं। घर में हुए का पीता, अपन में नहाता धोता हुए के, केड़ में थोड़ा सा जीरिया बना लेता है वहाँ का पानी। तो पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हेड पंप कुआ कुछ नहीं। पानी के लिए सभी नदी में जाता होगा, नदी में तो बीमारी उमारी नहीं होता नदी का पानी पीने से? होता, बीमारी भी होते रहता है। तो वही तो, वो जैसे जो बंगाली लोग बैग लेके घूमते हैं, उनको तो पैसा कमाना है, वैसे कोई ठीक होता कोई नहीं होता, जिसके कारण इनके बच्चों को उल्टी, दस्त, अनेक तरह की बीमारी होते। सरकार के पास इन्होंने कई बार गुहर लगा चुका है कि हमें स्वच्छ पानी पीने का प्रावधान करे, लेकिन इन पे कोई कार्यवाही नहीं किया। इस समस्या का समाधान हेतु स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप भी फोन कर सकते हो। मैं मोहन लाल सिलू, मध्य प्रदेश से, इंडिया नेट के लिए। बन सकते हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।